गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट्स। जिस भी समय आप इस वीडियो को देख रहे हैं, आप जानते हैं सीबीएसई सेवंथ क्लास सिविक्स का फोर्थ चैप्टर दैट इज ग्रोइंग अप एज बॉयज एंड गर्ल्स। तो प्यारे बच्चों, कहीं ना कहीं हम इस चैप्टर में जेंडर को हम पढ़ने जा रहे हैं, है ना, मेल एंड फीमेल, गर्ल्स एंड बॉयज को हम देखने जा रहे हैं। तो आप जैसे कि हम जिस समाज में रहते हैं, उस समाज में हमने यही पढ़ा है और यही देखा है प्यारे बच्चों कि जो है महिलाओं को कहीं ना कहीं कम समझा जाता है, जबकि ये बात सरासर बिल्कुल गलत है। पता नहीं कैसे इतिहास में बड़े बड़े महान पुरुषों ने ये बात कही है कि जो महिलाएं हैं वो सिर्फ एक सब्जेक्ट हैं, है ना, या तो वो अपने फादर के अंडर में रहते हैं या वो अपने हस्बैंड के या फिर अपने बच्चों के अंडर में रहती हैं। लेकिन मैं ऐसा मानता हूं कि ये जो चीजें, और वही चीज आपकी बुक में भी आप देखेंगे कि ये हम उस संदर्भ में देखते हैं जिस माहौल में हम लोग पले बड़े हैं, है ना, जिस माहौल में, जैसे हम इंडिया में देखते हैं, स्पेसिफिकली हम पंजाब हरियाणा या पूरे इंडिया की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे जो है वो औरतों को काफी कम, हालांकि आजकल बिकॉज ऑफ एजुकेशन काफी चीजें ठीक हुई हैं, मतलब इक्वालिटी के हम मतलब बराबर तो नहीं है लेकिन कहीं ना कहीं बहुत सारी चीजें सुधरी हैं। लेकिन फिर भी बहुत सारी ऐसी असमानताएं हैं जो हम देखते हैं कि या फिर असमानताएं कहीं या फिर ऐसा बना दिया गया है कि ये काम जो है महिलाओं के, ये पुरुष के हैं। तो इस तरीके से हम जानने की कोशिश करेंगे कि जो हम बचपन से देख रहे हैं अपने समाज को, वो किस तरीके से हमें मतलब आगे चल के हमें ये बताता है कि पुरुष के ये काम है और महिलाओं के ये काम है ना, बॉयज के ये काम है और गर्ल्स के ये काम है। तो इस चैप्टर में बेसिकली ग्रोइंग अप, यानी कि जब हम बड़े हो रहे हैं, ग्रोइंग अप एज एस बॉयज एंड गर्ल्स, तो जैसे जैसे हम बड़े हो रहे हैं तो क्या क्या हमारे दिमाग में माइंडसेट, जो समाज या हमारा जो पेरेंट्स है, स्कूल है या जो जो समाज है स्पेसिफिकली, वो हमारे दिमाग में कैसे चीजों को डालता है। तो यहां पर हम दो एग्जाम्पल देखेंगे प्यारे बच्चों। एक कंट्री है समाओ, समाओ एक कंट्री है प्यारे बच्चों। और कंट्री क्या है, एक छोटे छोटे आइलैंड से मिला हुआ आर्की पेलेगो है। आर्की पेलेगो किसको बोलते हैं प्यारे बच्चों, जो छोटे छोटे आइलैंड्स होते हैं उनको आर्की पेलेगो बोलते हैं। तो आप देखेंगे प्यारे बच्चों, अगर हम वर्ल्ड के मैप में देखें तो आप देखेंगे समाओ को ये इस साइड पे है प्यारे बच्चों। आप ये पूरा हमारा ये प्यारा भारत, हम यहां से जब इधर अमेरिका के इधर जब हम आते हैं तो ये छोटा सा आप देखेंगे यहां पे लिखा हुआ है समाओ, है ना, दिस इज समाओ, बहुत छोटा सा आइलैंड है। और अब आप देखेंगे 1920s में यहाँ पे किस तरीके से एक रिसर्च हुई और उसमें क्या बातें सामने निकल के आई। तो एक तो हम समाओ के बारे में देखेंगे, इट्स अ कंट्री और जिसकी कैपिटल है आपिया। अभी जो समाओ है आपिया, आप इसको याद रखना है। समाओ जैसे मैंने बताया कि छोटे छोटे आइलैंड्स कहीं है, तो किसी पे ब्रिटेन का अधिकार है, किसी पे अमेरिका का अधिकार है। तो ये जो समाओ है दिस इज इंडिपेंडेंट अपने आप में, और इसकी कैपिटल है आपिया, APIA आपिया। तो आप साथ में लिख लेंगे समाओ की कैपिटल क्या है, आपिया। तो हमने लोकेशन देखी, एक तो हम यहां के बारे में देखेंगे कि वहां पर जब ब्रिंगिंग अप होती है बॉयज एंड गर्ल्स की किस तरीके से हो रही है 1920s में, और दूसरा हम देखेंगे भारत का एक एग्जाम्पल मध्य प्रदेश में 1960s में, 60s में मतलब 60 से लेकर 69 के बीच में, मध्य प्रदेश के किसी एक छोटे से कस्बे के बारे में हम देखेंगे वहां पे किस तरीके से बच्चों की ब्रिंगिंग अप मतलब हो रही है बॉयज और गर्ल्स की। और यहां से हम ये जानने की कोशिश करेंगे, जो जैसा कि आप बेसिकली आप भी देख रहे हैं कि भाई गर्ल्स के क्या काम है, बॉयज के क्या काम है, तो इस एग्जांपल के थ्रू हम लोग देखेंगे। आपने लोकेशन समझ ली समाओ की, और मध्य प्रदेश आप सभी को पता ही है प्यारे बच्चों, ये भारत है और हमारे भारत का मध्य, मध्य यानी बीच में, मध्य प्रदेश भोपाल जिसकी कैपिटल है। तो प्यारे बच्चों, अब मैं यही चीज आपको बुक के थ्रू, ताकि कोई चीज मिस ना हो, हम देखते हैं कि आपकी बुक क्या कहती है। और बहुत ही आसान वर्डिंग है, कोई ऐसी चीज आपको मिलेगी नहीं जो आपको ना समझ में आए। बट देन ऑल्सो बींग अ बॉय और अ गर्ल इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ वन्स आइडेंटिटी। दिस द सोसाइटी वी ग्रो अप इन टीचेस अस व्हाट काइंड ऑफ बिहेवियर इज एक्सेप्टेबल फॉर गर्ल्स एंड बॉयज। हम कहते हैं ना लड़कियों को ये नहीं करना है, लड़कों को ये नहीं करना है, ये चीज ये लड़कियां करती हैं, तो ये कहीं ना कहीं what boys and girls can or cannot do. We often grow up thinking about these things. Things are exactly the same everywhere. हम सोचते हैं कि जैसा हमारे साथ हो रहा है ऐसा ही पूरी दुनिया में हर जगह पे ऐसा ही व्यवहार होता है. But do all society look at boys and girls in the same way? क्या वो हर हर एक समाज, हर एक सोसाइटी, हर एक कंट्री क्या वो सेम वे में देख रही है?
जो कि हम यहाँ पे देखेंगे समाओ जिसकी कैपिटल आपिया और दूसरा हम इंडिया के बारे में देखेंगे. वी विल ट्राई एंड आंसर दिस क्वेश्चन इन दिस चैप्टर. वी विल ऑल्सो लुक एट हाउ द डिफरेंट रोल्स असाइन टू बॉयज एंड गर्ल्स प्रिपेयर देम फॉर देयर फ्यूचर रोल्स एज मैन एंड वुमेन. कहते हैं ना भाई आदमी को थोड़ा रॉब से बोलना चाहिए, औरत को थोड़ा सॉफ्टली बोलना चाहिए. तो ये कहीं ना कहीं मतलब गर्ल्स के लिए. वी विल लर्न दैट मोस्ट सोसाइटी वैल्यू मैन एंड वुमेन डिफरेंटली. यानी मैन की एक अलग वैल्यू है और वुमेन की एक अलग वैल्यू है एक ही समाज में. द रोल्स वुमेन प्ले एंड द वर्क दे डू आर यूजली वैल्यूड लेस देन द रोल्स मैन प्ले एंड द वर्क दे डू. आदमी जो काम कर रहा है उसकी उसको सैलरी से भी अगर हम देखें तो उसको ज्यादा इंपॉर्टेंस मिलती है बनिस्पत इसके की जो महिलाएं काम कर रही हैं. दिस चैप्टर विल ऑल्सो एग्जामिन हाउ इनइक्वालिटी बिटवीन मैन एंड वुमेन एमर्ज इन द एरिया ऑफ वर्क. कैसे ये इनइक्वालिटी जो है वो पैदा होती है वो भी हम कहीं ना कहीं इसमें देखेंगे. ग्रोइंग अप इन समाओ. समाओ आपको याद रखना है 1920s, यानी कि जैसे अभी 2020 चल रहा है, 20s चल रहा है, 2021, 2029 तक, वैसे 1920s में यानी ठीक 100 साल पहले समाओ में किस तरीके से आप यहाँ एक बच्चा देख रहे हैं ये स्कूल का. लेकिन समाओ की जो रिसर्च हुई है पहले बच्चों वहां पर सदर्न पार्ट ऑफ पैसिफिक ओशन जो मैंने आपको लोकेशन दिखाई है. चिल्ड्रन डिड नॉट गो टू स्कूल. फिशिंग इंपॉर्टेंट एक्टिविटी. मतलब यहां पर बच्चे स्कूल में जाते ही नहीं है कोई भी, ना लड़का ना लड़की. और उनके लिए फिशिंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है मतलब टास्क है क्योंकि सभी लोग मतलब कहीं खाने का उनका यही एजुकेशन के ऊपर कोई ध्यान नहीं है. वहां पर क्या चीज है जैसे ही बच्चा चलने लगता है ना, एक साल का डेढ़ साल का बच्चा चलने लग जाता है तो माँ या जो भी एडल्ट्स हैं फैमिली में वो उनकी लुक आफ्टर, कोई लुक आफ्टर नहीं करता है. उनकी लुक आफ्टर कौन करता है, जो 5-6 साल के बच्चे हैं. और वो 5-6 साल के बच्चे जब तक वो 9 साल के नहीं हो जाते, टीनेज नहीं मतलब 9 ईयर तक नहीं आ जाते, तब तक जो बॉयज हैं और गर्ल्स हैं दोनों उन बच्चों की देखरेख करते हैं. और जैसे ही बॉयज 9 साल के हो जाते हैं फिर वो ओल्डर बच्चों के साथ वो कनेक्ट हो जाते हैं और वो फिशिंग के लिए दूर दूर मतलब क्योंकि आसपास समुद्री समुद्र है तो उनके साथ जाते हैं. लेकिन गर्ल्स जो है वो अभी भी बच्चों की टेक केयर करती है. लेकिन जैसे ही 13-14 साल की गुड़िया होती है तो वो उसके बाद क्या करती है, वो भी बाहर उनको बहुत ज्यादा फ्रीडम, उनको भी बॉयज की तरह पूरी फ्रीडम मिलती है. वो भी फिशिंग के लिए जाती हैं और वीव करती हैं, बैम्बू प्लांटेशन करती हैं. और यहाँ पर जो खाना बनाने का काम है वो बॉयज करते हैं, है ना. और गर्ल्स उनकी मतलब बर्तन पकड़ा दिए, कुछ वो कर दिया, कुछ उनकी हेल्प करते हैं. जैसे हमारे समाज में मेल हेल्प करते हैं वुमेन की, खाना बनाने का वुमेन का काम होता है, वैसे ही समाओ में खाना बनाने का काम जो है वो किसका है, पुरुषों का है, बॉयज का है. ठीक है, हम देखते हैं आपकी बुक क्या कहती है. द समाओ आइलैंड आर पार्ट ऑफ अ लार्ज ग्रुप ऑफ स्मॉल आइलैंड. स्मॉल आइलैंड जिसको मैंने क्या बताया, आर्किपेलागो, इन द सदर्न पार्ट ऑफ द पैसिफिक ओशन. इन द 1920s अकॉर्डिंग टू द रिसर्च रिपोर्ट ऑफ समाओ सोसाइटी चिल्ड्रन डिड नॉट गो टू स्कूल. दे लर्न मैनी थिंग्स सच एज हाउ टू टेक केयर ऑफ चिल्ड्रन और डू हाउस होल्ड वर्क फ्रॉम ओल्डर चिल्ड्रन एंड फ्रॉम एडल्ट. मतलब वो ये काम सीखते हैं कि घर के काम कैसे करने हैं, बच्चों को कैसे पालना है. फिशिंग वॉज अ वेरी इंपॉर्टेंट एक्टिविटी ऑन द आईलैंड. यंग पीपल देयरफॉर लर्न टू अंडरटेक लॉन्ग फिशिंग एक्सपीडिशन. यानी लंबी लंबी जर्नीज पे वो जा रहे हैं फिशिंग के लिए. बट दे लर्न दीज थिंग्स एट डिफरेंट पॉइंट्स इन देयर चाइल्डहुड. मतलब चाइल्डहुड में ही ये डिफरेंट डिफरेंट टाइम में ये सीखते हैं. एज सून एज बेबीज कुड वॉक. जैसे मैंने बताया कि जैसे ही बच्चा चलने के लायक हो जाता है their mothers or other adults no longer look after them. Older children often as young as 5-year-old, जो 5-6 साल के बच्चे वो ही उन बच्चों का ख्याल रख रहे हैं जो 1-1.5-2 साल के बच्चे हैं. To cover their responsibility, both boys and girls look after their younger sibling. मतलब boys भी और girls भी अपने sibling यानी जो छोटे भाई बहन हैं उनका ख्याल रखने का काम करते हैं. But by the time a boy was about 9 years, जैसे वो 9 साल का होता है, he joined the older boys in learning outdoor jobs like fishing and planting coconuts. Girls had to continue. मैंने बताया था ना 9 साल तक boys जो है वो उसके बाद older जो people हैं या जो लोग हैं उनके साथ वो connect हो जाते हैं. लेकिन girls जो है वो continue कर रहे हैं looking after small children or do errands. Errands क्या होता है, काम काज. Errands का मतलब होता है काम करना, है ना, जो भी घर के काम है छोटे मोटे उनको. फॉर एडल्ट टिल दे वर टीनेजर. जब तक वो टीनेजर नहीं होते, यानी कि टीनेजर 13-14 एज में होते हैं. बट वंस दे बिकम टीनेजर दे हैड मच मोर फ्रीडम. उनको काफी फ्रीडम मिलता है. आफ्टर द एज ऑफ 14 और सो गर्ल्स ऑल्सो वेंट ऑन फिशिंग
trips, worked in the plantation, learned how to weave basket. Cooking was done in special cooking houses where boys were supposed to do most of the work while girls helped with the preparations. तो आप देख रहे हैं कि मतलब यानी कि वो जिस समाज में रह रहे हैं उनको वैसा ही वो लग रहा है कि गर्ल्स का काम नहीं है खाना बनाने का, बॉयज का काम है. लेकिन हम जिस समाज में रह रहे हैं, अब हम देखेंगे 1960s में मध्य प्रदेश में एक स्कूल का, यानी कि यहाँ पर क्या है बेसिकली, जैसी बच्चा फिफ्थ तक जो बच्चे हैं वो गर्ल्स और बॉयज एक ही स्कूल में पढ़ रहे हैं, लेकिन जैसी वो सिक्स्थ में आते हैं तो हमारे दिमाग में मतलब गर्ल्स का अलग स्कूल और बॉयज का अलग स्कूल. जो गर्ल्स का स्कूल है वो मतलब बिल्कुल टोटली सेपरेट आइसोलेटेड होता है सेपरेशन, उनको एक बड़ा सा ग्राउंड मिलता है जो कि पूरी दुनिया मतलब जो बाहर की दुनिया उससे मतलब कनेक्टेड नहीं होता है, वो अंदर ही मतलब अपना खेलना पिलना खाना पीना सब करते हैं. लेकिन बॉयज की जब हम बात करते हैं, जो बॉयज के प्ले ग्राउंड है वो कहीं ना कहीं स्कूल के साथ ही अटैच है और वो वहां पे मतलब खूब मस्ती करते हैं इधर उधर. और जब छुट्टी होती है तो गर्ल्स क्या है वो मतलब सैकड़ों की संख्या में है ना, 100-150 के आसपास वो अपने स्कूल से मूव करती हैं और उस स्ट्रीट यानी कि गली से होते हुए अपने घर तक जाती हैं. उनके लिए उस गली का मतलब है कि उसको स्कूल से घर तक पहुंचाने की एक जगह. और ज्यादातर गर्ल्स जो है वो ग्रुप में चलती हैं. और बनिस्पत इसके जब हम बॉयज को देखते हैं तो वो कहीं ना कहीं मतलब साइकिलिंग कर रहे हैं, मौज मस्ती कर रहे हैं, कोई अपने फ्रेंड के घर जा रहा है, कोई आइसक्रीम खा रहा है, कोई कुछ खा रहा है. लेकिन गर्ल्स क्या है वो सिर्फ अपने जैसी छुट्टी वो सीधा उन गलियों से एकदम डरी सहमी सी वो अपने घर की तरफ जाती हैं. तो यहाँ पर एक चीज ये भी है कि भाई ग्रुप में जो गर्ल्स चलती हैं उनको कहीं ना कहीं ये डर रहता है कि कहीं उनके साथ कोई टीजिंग ना कर दे या कोई जो कोई छेड़खानी या उनको कोई उनके साथ कोई मतलब कोई बुरा व्यवहार ना करे. तो इस वजह से आप देखेंगे कि आपके यहाँ पे भी ग्रुप में हमेशा गर्ल्स जो है ज्यादातर चलती है. अब हम देखते हैं मध्य प्रदेश हमारे भारत के समाज में किस तरीके से जो है गर्ल्स और बॉयज में डिफरेंशिएट किया जाता है. द फॉलोइंग इज एडेप्टेड फ्रॉम एन अकाउंट ऑफ एक्सपीरियंस ऑफ बीइंग इन अ स्मॉल टाउन इन मध्य प्रदेश इन द 1960s. From class 6th onward, boys and girls went separate schools. The girls' school was designed very differently from the boys' school. Unka jo school ka jo design hai, wo bhi different hai. They had a central courtyard where they played a total seclusion. Seclusion ka matlab hota hai, pyare bachcho, I'm very sorry, main kuch aur blade ko dekh raha tha. Seclusion ka matlab hota hai, bilkul akela, ekant, jo maine bataya ki unka bilkul different, matlab ekant mein hota hai, jo bahar ki duniya se kahin na kahin connected nahi hai, easily aap bahar nahi dekh sakte hain, bahar wale aapko andar nahi dekh sakte hain. And safety from the outside world, duniya se uski safety ko dhyan mein rakhte hue. The boys school had no such courtyard and our playground was just a big space attached to the school. Every evening, once school was over, jaisi evening mein jab school khatam hota hai, the boys watched as hundreds of the school girls crowded the narrow streets. Yani sainkdon ki sankhya mein wo ek patli si sankri gali se ladkiyon ko jaate hue wo dekhte hain. As the girls walked on the street, they looked so purposeful. मतलब वो बहुत ही पर्पसफुल दिखती है कि भाई उनका जो पर्पस है वो बस घर तक जाना है. दिस वॉज अनलाइक द बॉयज हु यूज्ड टू स्ट्रीट एज अ प्लेस ऑफ स्टैंड अराउंड आइडलिंग टू प्ले टू ट्राई आउट ट्रिक्स विद देयर बाइसिकल. फॉर द गर्ल्स द स्ट्रीट वॉज सिंपली अ प्लेस टू गेट स्ट्रेट होम. उनके लिए जो गली है वो सिर्फ एक घर तक जाने का एक जरिया है. द गर्ल्स ऑलवेज वेंट इन ग्रुप्स. वो हमेशा ग्रुप में चलती हैं. Perhaps because they also carried fear of being teased or attacked. तो आप देख रहे हैं प्यारे बच्चों की हमारे समाज में और समाओ है ना कहीं ना कहीं हमारे समाज में भी ये सब चीजें होनी चाहिए, इक्वालिटी होनी चाहिए. मैं एक बात आपको बताने आपके साथ शेयर करता हूँ प्यारे बच्चों कि कहीं ना कहीं हमारे यहाँ पर महिलाओं के ऊपर बहुत ज्यादा टिक्का टिप्पणी होती है कि ये क्या पहना हुआ है, क्या कैसे बोल रही हो, क्या है, वहां नहीं जाना है, इस समय नहीं जाना है. तो इसके कारण जो महिलाएं होती है वो बहुत ज्यादा दब जाती है, वो डरपोक किस्म की हो जाती है ना. और एक बनिस्पत इसके आप देखते हैं कि कोई एक 6-7 साल 8 साल का जो कबाड़ी उठाने वाला एक जो लड़का है, अगर आप देखें कि वो जब सड़क को क्रॉस करता है तो बिंदास होकर अगर चाहे मर्सिडीज सामने आ रही तो उसको भी वो कहता है कि होल्ड डाउन, रुको, मैं क्रॉस कर रहा हूं. मतलब आप समझ रहे हैं. और बनिस्पत इसके एक ग्रेजुएट गर्ल्स होती है, अब पीजी कर रखी होती है, उनको अगर रोड क्रॉस करनी है तो बहुत ज्यादा डरी और सहमी होती है. कई बार इधर देखती है, कई बार इधर, फिर कहीं जाके वो रोड को क्रॉस करती है. तो ये जो
इतनी सारी हम जो बंदिशें लगाते हैं जो महिलाओं के ऊपर, वो कहीं ना कहीं उनको अंदर से कमजोर बना देती है। तो अब इन दोनों एग्जाम्पल से हम क्या देख रहे हैं, आफ्टर रीडिंग द टू एग्जाम्पल्स अबाउट, वी रियलाइज दैट देर आर मेनी डिफरेंट वेज ऑफ ग्रोइंग अप। ऑफन वी थिंक दैट देर इज ओनली वन वे इन विच चिल्ड्रन ग्रो अप। दिस इज बिकॉज वी आर नॉट मस्ट फैमिलियर विद आवर ओन एक्सपीरियंसेस। इफ वी टॉक टू एल्डर्स इन आवर फैमिली, वी विल सी दैट देयर चाइल्डहुड्स वर प्रोबेबली वेरी डिफरेंट फ्रॉम आवर्स। यानी कि अगर हम अपने पुराने बुजुर्गों से, इन दोनों स्टोरियों से हमें ये पता चल रहा है कि अलग अलग समाज में जो है अलग अलग तरीके से गर्ल्स और बॉयज के साथ बिहेवियर हो रहा है और उनकी इम्पोर्टेंस एक अलग है। और अगर हम अपने बुजुर्गों से पूछेंगे कि, तो वो हमें बताएंगे कि जो उनका चाइल्डहुड था वो आज के चाइल्डहुड से बिल्कुल ही डिफरेंट है। वी ऑल्सो रियलाइज दैट सोसाइटीज मेक क्लियर डिस्टिंक्शन बिटवीन बॉयज एंड गर्ल्स। तो जैसे आप यहाँ पे देखा कि उनको खाना बनाने का डिस्टिंक्शन है ना, उनका डिस्टिंक्शन कुछ और है, यहाँ पे डिस्टिंक्शन कुछ और है। जैसे बच्चों को, गर्ल्स को गुड़िया दी जाती है बचपन में खेलने के लिए, बॉयज को कार दी जाती है कुछ ऐसा, उनको बोला जाता है कि आप थोड़ा रोप से बोलें, गर्ल्स को बोला जाता है आप थोड़ा सॉफ्ट बोलें। तो ये कहीं ना कहीं डिसाइड करता है कि आपको बड़े होके क्या रोल अदा करना है ना। दिस बिगिंस फ्रॉम अ वेरी यंग एज। वी आर फॉर एग्जाम्पल गिवन डिफरेंट टॉयज टू प्ले विद, बॉयज आर यूजली गिवन कार्स टू प्ले विद एंड गर्ल्स डॉल्स, है ना, गुड़िया दी जाती है। बोथ टॉयज कैन बी अ लॉट ऑफ फन टू प्ले विद, मतलब दोनों ही, मतलब अगर गर्ल्स को आप कार दोगे तो उसको भी तब भी वही खुशी होगी, और बॉयज को अगर आप गुड़िया दोगे तब भी वो खुशी होगी। वाई आर गर्ल्स देन गिवन डॉल्स एंड बॉयज कार्स, मतलब क्यों ऐसा होता है कि बॉयज को कार दी जाती है और गर्ल्स को गुड़िया। टॉयज बिकम अ वे ऑफ टेलिंग चिल्ड्रन दैट दे विल हैव डिफरेंट फ्यूचर वेन दे बिकम मैन एंड वुमेन। उनको ये चीज बचपन से ही बता दी जाती है कि तुम्हारा काम जब तुम बड़े होगे, जब तुम पुरुष मेल बनोगे और तुम मतलब एक आदमी बनोगे और तुम औरत बनोगे, तो तुम्हारे काम अलग होंगे उस समय। तो बचपन से ये चीज कहीं ना कहीं अनइंटेंशनली हम बच्चों को समझा देते हैं। इफ वी थिंक अबाउट इट, दिस डिफरेंस इज क्रिएटेड इन द स्मॉलेस्ट एंड मोस्ट एवरी डे थिंग्स। हाउ गर्ल्स मस्ट ड्रेस, कैसे इनको ड्रेस पहननी चाहिए, वट गेम्स बॉयज शुड प्ले, बॉयज को कौन से गेम खेलने चाहिए, हाउ गर्ल्स नीड टू टॉक सॉफ्टली एंड बॉयज नीड टू बी टफ, ऑल दीज आर वेज ऑफ टेलिंग चिल्ड्रन दैट दे हैव स्पेसिफिक रोल्स टू प्ले वेन दे ग्रो अप टू बी मैन एंड वुमेन। लेटर इन लाइफ द इफेक्ट्स, द सब्जेक्ट्स वी कैन स्टडी और द करियर्स वी कैन चूज, और यही फिर हमारे करियर क्या चूज करना है, हमें क्या आगे चल के करना है भविष्य में, ये भी कहीं ना कहीं हमारी सेट हो जाती है उसी समय। इन मोस्ट सोसाइटीज इंक्लूडिंग आवर ऑन, द रोल्स मैन एंड वुमेन प्ले और द वर्क दे डू आर नॉट वैल्यूड इक्वली, है ना। और ये बात आप जानते हो प्यारे बच्चों, आजकल जो पढ़े लिखे जब हम कहीं जॉब करते हैं किसी अच्छे उसमें, तो सैलरी जो होती है वो इक्वल होती है। अदरवाइज आप जैसे अनऑर्गेनाइज सेक्टर में आप देखोगे तो वहां पे महिलाओं को आज भी जो है सैलरी वो कम मिलती है उनके काम को इतना। और आप आगे देखोगे जो हमारी मम्मी है जो घर पे काम कर रही है, तो उसके उनके काम की हम क्या वैल्यू देखते हैं, आगे आप कॉमिक के वे में उसको देखेंगे और आप इस चीज को पहले से जानते भी हैं। मैन एंड वुमेन डू नॉट हैव द सेम स्टेटस नहीं कहीं ना कहीं उनका है, और इसका मुझे बेहद अफसोस है, दुख है, और ये होना चाहिए, सेम स्टेटस होना चाहिए। लेट अस लुक हाउ दिस डिफरेंस एग्जिस्ट इन द वर्क डन बाय मैन एंड वुमेन। तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे पहले बच्चों की, एक स्टोरी के तहत आपको बताया गया है कि कैसे माँ जब काम करती है तो उसके काम को हम वैल्यू दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं, और अगर वो काम करना बंद कर दे तो हमें पता चलेगा कि उनके काम की कितनी वैल्यू है। तो प्यारे बच्चों, इसके साथ ही मैं आप लोग सभी प्यारे बच्चों से एक चीज कहना चाहता हूँ, दैट देयर शुड नॉट बी एनी डिफरेंस बिटवीन बॉयज एंड गर्ल्स, बोथ आर ह्यूमन बीइंग एंड बोथ हैव फुल राइट्स टू डू व्हाट एवर दे वॉन्ट, राइट। तो इस तरीके का एक समाज आप और मैं मिलकर हम एक छोटी सी कोशिश कर सकते हैं, ताकि आने वाले जो समय है उसमें हम भारत में भी, और उसमें बताया जाए कि यहां पर जैसे समाओं के बारे में बताया, कहीं ना कहीं वहां पे फिर भी चीजें ठीक है, भले ही वहां पे एजुकेशन के ऊपर ध्यान नहीं दिया गया, तो ऐसे ही हम अपने समाज को भी एक बेहतर समाज बनाएंगे जिसमें मैन और वुमेन की जो स्टेटस है दैट शुड बी इक्वल। तो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज टॉपिक माय डियर सन एंड डॉटर्स, दिस इज फॉर योर क्लिक। गॉड ब्लेस यू ऑल, लव यू ऑल।